नींद है। ये मेडिटेशन कैसे वर्क करते हैं मैं बता रहा हूँ, साइंस ऑफ मेडिटेशन, गुडाकेशा मेडिटेशन। नींद में हम रिलैक्स हो रहा है और शक्ति ले रहा है, दोनों हो रहा है, विश्रांति स्थिति में जा रहे हैं, शक्ति ले रहा है। बट नींद आठ घंटे की नींद में कितना क्वालिटी नींद रहते हैं पता है आपको सभी को? डीप स्लीप कितना रहता है बोलो तो 10% का से 20% मैक्सिमम। जो 20 इयर्स का यंगस्टर्स को जो भी हेल्दी है, अच्छा हेल्थ है, तो उनको 20% डीप स्लीप रहते हैं। जैसे जैसे 75 इयर्स 85 इयर्स आगे एज बढ़ता रहा, उनका 10% ही डीप स्लीप रहते हैं, ठीक है। सो लगभग 1 आवर 15 मिनट्स रहते हैं यंगस्टर्स को, 45 इयर्स एज वालों को 45 मिनट्स डीप स्लीप रहते हैं, 65 एज वालों को 30 मिनट्स ही रहते हैं, 45 इयर्स का रहते हैं 30 मिनट्स रहते हैं, 65 इयर्स और अभी वो वालों को 30 मिनट्स भी, वो भी डेली नहीं रहते, दो तीन दिन में एक बार रहते हैं। तो इसमें क्या है, डीप स्लीप को कैसे बनाना है करके गुडाकेशा का रिसर्च है। हम बैठ के पूरा बॉडी को रिलैक्स करते हुए तो बहुत एनर्जी आते हैं, जो नींद में जितना आते हैं उससे भी ज़्यादा एनर्जी लेना ही मेडिटेशन का मास्टरी है। सोच विचार को तुरंत स्टॉप करके कैसे नींद में तो थोड़ा रिलैक्स होते हैं ना, कुछ तो 8 घंटे के नींद में तो आधा घंटे तो रिलैक्स होते हैं ना, उससे भी ज़्यादा टाइम कैसे रिलैक्स होना है, कैसे सोच विचार का बिना रहना है करके गुडाकेशा के रिसर्च है फ्रेंड्स, ओके। तो इसलिए पहले क्या हो जाते हैं, पहले दिन जितना नींद है आपका, नींद में जितना इतना शक्ति रिसीव करते हैं, ध्यान में सभी लोग इतना ही रहते हैं, क्योंकि सोच विचार आ रहे हैं, एक दो सेकंड ही सोच विचार स्टॉप कर रहे हैं, है ना। आधा घंटे में कितना स्टॉप कर रहे हैं, एक दो सेकंड ही स्टॉप हो जाते हैं नए लोगों को, तो इतना ही एनर्जी लेते हैं। जैसे जैसे सीनियरिटी बढ़ते हैं, 2 मिनट 4 मिनट आधा घंटे में 10 मिनट मेडिटेशन हो जाते हैं, तब थोड़ा एनर्जी लेना शुरू हो जाते हैं। बट फिर भी ये ध्यान में एनर्जी, नींद का एनर्जी से कम रहते हैं नए लोग, सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को। सो गुडाकेशा एक टेक्नोलॉजी है, नींद में जितना एनर्जी ले रहे उतना एनर्जी पहले, उतना नहीं लेते 70-80% लेते आज नाइट और कल नाइट, और ना और बाकी का 20% का कम ही रहते हैं, पूरा नींद में जितना एनर्जी लेते नहीं करके नहीं कह रहा हूँ, वरना नेक्स्ट डे मॉर्निंग से थोड़ा आधा घंटे एक घंटे मेडिटेशन का उसको इक्वल कर लेते हैं, जितना नींद में एनर्जी आ रही है रिलैक्सेशन है इक्वल कर लेते हैं। करने के बाद एक दो महीने के प्रैक्टिस से क्या हो जाते हैं, आप नींद से जितना एनर्जी ले रहे इससे भी ज़्यादा एनर्जी लेना शुरू होते हैं मेडिटेशन में, बहुत डबल एनर्जी, ट्रिपल एनर्जी ऐसा। सो आपका एनर्जी डबल कैसे लेना है, 10 times कैसे एनर्जी लेना है, वो रिसर्च है कि नींद से भी कैसे गहरे जाके उधर रहना है, वो सारा माइंड के ऊपर पूरा मास्टरी आना है, नींद के ऊपर पूरा मास्टरी आना है गुडाकेशा फ्रेंड्स। इसलिए ये गुडाकेशा मेडिटेशन सबसे श्रेष्ठ है, सबसे समाधि मेडिटेशन है, समाधि निर्विकल्प समाधि है। हर रात 6 घंटे आप बिना सोच विचार का बैठना साधना हो जाते हैं आपका, कुछ ही दिन में इतना मास्टरी आ जाते हैं, जो हिमालय में ऋषि मुनि करते हैं, ध्यान करते हैं, और भी बहुत सालों का ध्यान के बाद उनका फल मिल जाते, तभी उनको भी बिना सोच विचार कर ध्यान करना आ जाते हैं। तो वो साधना इधर गुडाकेशा संसार में रहते हुए, मॉर्निंग से इवनिंग तक जॉब करते हुए, नाइट टाइम ये साधना करके पूरा 6 घंटे से 8 घंटे रात भर निर्विकल्प समाधि में रह सकते हैं फ्रेंड्स।